हम चलते हैं हमारे संवाददाता दुमका से अरुण बने हुए हैं। अरुण, अगर बात करें दुमका सीट की तो जमशेदपुर पूर्वी के बाद अगर कोई सीट हॉट सीट मानी जा रही है तो वो दुमका सीट है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई काफी कड़ी की देखने को मिल रही है। खुद यहाँ से जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 2014 में देखे तो वो यहाँ से हार चुके थे और लुईस मरांडी बीजेपी की टिकट पर यहाँ से जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। इस बार का क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं वहां पर, क्या दुमका की जनता है क्या कुछ इशारा कर रही है? देखिए पुनीता, निश्चित रूप से कहें तो जमशेदपुर पूर्वी के बाद ये दुमका का जो सीट है ये भी काफ़ी हॉट हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री, खुद फिर से एक बार मैदान में है और उनके सामने मंत्री लुईस मरांडी है। इस बार एक स्थिति तो उत्पन्न दिख रही है पुनीता, कि जेएमएम के साथ जहाँ पर कांग्रेस और राजद के रूप में एक मजबूत साथी उसके साथ है, वहीं दूसरी ओर कहें तो बीजेपी की जो है वो राय अलग हो गई है। आशु ने अलग अपना कर रखा है, अपने आप को अलग कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे रोमांचक स्थिति तो होगी, लेकिन क्या कुछ होगा किसी के लिए कहना बहुत मुश्किल है। रोमांच दुमका में ही नहीं, पूरे राज्य के साथ साथ संस्थान के भी सभी विधानसभा केंद्रों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसे राजनीतिक समीकरण बने हैं कि कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि वो सीट बहुत आसानी से निकाल सकता है। हालांकि सभी दलों के नेता अपने अपने स्तर से ये दावे कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो मेजोरिटी है वो हासिल हो जाएगी, जनता उनका साथ देगी और वो इस बार बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन सब कुछ 23 तारीख को जब परिणाम आएगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा पुनीता। बिल्कुल अरुण, जानना चाहेंगे अब दुमका में मौजूद है क्या कुछ तैयारियां कल के लिए की गई है वहां पर सुरक्षा को लेकर? देखिए पुनीता, यहाँ पर जैसे कुछ थोड़ी देर पहले यहाँ के एसपी साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि पूरी सुरक्षा के जो है पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस जिले में शिकारीपाड़ा ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहाँ 2014 में नक्सलियों ने अपना धमक दिखलाया था और कई पुलिसकर्मी सहित शहीद भी हुए थे और उसमें पोलिंग पार्टी भी लूटी गई थी। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी शिकारीपाड़ा में धमक दिया था नक्सलियों ने, इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस वहाँ शिकारीपाड़ा में है। इसके अलावा सेंसिटिव बूथों पर खास फोकस रख रही है जो पुलिस प्रशासन, और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब इस तरह के मतदाताओं को जो पूरी तरह से सुरक्षित सुरक्षा देने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। अब पुनीता जुड़ेंगे सीधे, यहाँ की डीसी हैं साथ में, वो भी मुआयना कर रही हैं इस पूरे वितरण का, तो सीधे जुड़ेंगे उनसे और सीधे जुड़ेंगे उनसे और बात करेंगे, क्योंकि देखिए अभी पूरा जो डिस्पैच करने का काम है, मतदान सामग्रियां डिस्पैच हो रही है, तो वैसी स्थिति में सभी अधिकारियों की ये रहती है जिम्मेवारी कि वो सुरक्षित तरीके से अपना सुरक्षित तरीके से अपना जो पोलिंग पार्टियां हैं अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच जाए उसके प्रयास में लगी हुई है। तो शिकारीपाड़ा पे ही खास फोकस है, क्योंकि वहाँ 3 बजे तक ही मतदान होना है और 3 बजे के से ही वहाँ पे हो जाएगी। दूसरे जो 5 विधानसभा हैं और जो 4 विधानसभा 3 विधानसभा वहाँ पर 5 बजे तक का मतदान होना है, तो कहें तो देखिए बहुत कुछ प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर रही है। अब इसके लिए खुद जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो है प्रशासनिक तौर पर तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब बस जो इंतजार है वो वोटर्स का है। चलिए अरुण, आपके साथ डीसी बने हुए क्या कुछ है सुरक्षा को लेकर तैयारी, बात करने की कोशिश कीजिए। निश्चित पुनीता मैडम, आज डिस्पैच का काम स्टार्ट हो गया जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां किस तरह की सुरक्षा की, क्योंकि 2014 में भी नक्सलियों ने धमक दिखलाई थी शिकारीपाड़ा में, लोकसभा चुनाव में भी उनकी धमक देखी गई थी। नहीं, इस बार लोकसभा चुनाव दुमका जिला में काफ़ी शांतिपूर्वक आयोजन किया गया और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि विधानसभा चुनाव में भी अच्छे से शांतिपूर्वक चुनाव कराया जाएगा। ऑफकोर्स LWE एरियाज हमारे लिए एक चैलेंजिंग एरिया है, लेकिन लगातार जो पुलिस के द्वारा एरिया डोमिनेशन और ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, कुछ अच्छे सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी कराए गए हैं। सभी जो हमारे सेंसिटिव बूथ्स है, हाइपर सेंसिटिव बूथ्स है, वहाँ पर CAPF का डिप्लॉयमेंट किया गया है और लोगों के बीच भी एक उत्साह है वोटिंग करने को लेके, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि जिस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं और जो SOP इन लोगों के लिए तय किया गया है उसको फॉलो करते हुए अगर काम करेंगे तो हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक इलेक्शंस देखेंगे। देखा गया है पूरे अमूमन राज्य में शहरी क्षेत्र के मतदाता कम निकले हैं बाहर, हालांकि जिला प्रशासन और निर्वाचन कोषांग ने भी बहुत तरीके से अपनाया, तो दुमका में इस तरह की क्या व्यवस्था की गई है ताकि मतदाता पहुंचे मतदान केंद्रों में?
बिल्कुल, आई थिंक अर्बन एरियाज में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा घट ही रहा है, तो लगातार हम लोग वोटर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत स्वीप के कार्यक्रम चलाए हैं और उसके साथ साथ ईवीएम और अवेयरनेस ड्राइव में काफ़ी सारे वोटर्स को मॉक पोल भी कराए हैं, तो वी एक्सपेक्ट टू सी कि दुमका में अच्छा वोटिंग हो। देर आर कुछ कुछ बूथ्स को भी हम लोग चिन्हित किए हैं जहाँ काफ़ी कम वोटिंग हुआ है, वहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है। मोटिवेशन के लिए हम लोग कुछ कुछ मॉडल बूथ्स भी किए हैं, कुछ महिला बूथ्स भी हम लोग चिन्हित किए हैं, सो वी आर एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट्स दिस टाइम। चलिए, सुरक्षा की फिर से बात आ जाती है एक बार, कितने संवेदनशील बूथों की क्या स्थिति है मैडम? अति संवेदनशील बूथ भी बहुत सारे हैं पूरे आपके ये चार विधानसभा क्षेत्र में। हमारे लगभग 40% हमारे बूथ हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव श्रेणी में आते हैं, उसमें कुछ नक्सल सेंसिटिविटी भी है, कुछ नॉन नक्सल सेंसिटिविटी भी है। जैसे मैंने बताया, इन सभी बूथों में CAPF का कवरेज रहेगा, वहाँ पे हम लोग के जो फोर्सेज है वो एरिया डोमिनेशन का कार्य 2 दिन से कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ के पोलिंग पार्टी और सेक्टर ऑफिसर जोनल मजिस्ट्रेट्स को कुछ SOP दिया गया है, एक रणनीति बनाया गया है जिसको अपनाना है। उस रणनीति के तहत अगर ये लोग काम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छे ढंग से उनका उनका इलेक्शन का कार्य भी रहेगा और उनका अनुभव भी रहेगा। तो काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम दिए हुए हैं, खास करके ये जो सेक्टर ऑफिसर्स है इन एरियाज के, जो LWE अफेक्टेड एरियाज है, उनका ट्रेनिंग बहुत जोर से दिया गया है, बहुत ध्यान से दिया गया है, और SOPs को हम लोग बनाए हैं जिसको उनको 100% फॉलो करना है। एक अंतिम सवाल है, ये डिस्पैच पार्टियाँ सब कब तक अपने केंद्रों तक पहुँच जाएंगी? 3 बजे तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 100% बूथ अपने अपने क्लस्टर पे पहुंच जाएंगे। मॉक ड्रिल भी होना है पोलिंग स्टार्ट होने से पहले? पोलिंग स्टार्ट होने के पहले कल सुबह 5:30 बजे मॉक पोल होता है और 7 बजे से 5 बजे हमारा 3 AC में वोटिंग होगा, जो जामा, जरमुंडी और दुमका है, और एक विधानसभा जो शिकारीपाड़ा का है वहाँ 7 से 3 बजे तक। थैंक यू। तो ये थी दुमका की DC राजेश्वरी बी, जिनका स्पष्ट रूप से यह दावा है कि प्रशासन ने अपने स्तर से पूरी तैयारियां कर ली है, अब मतदाताओं को निकलकर बाहर आना है और अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना है, क्योंकि लोकतंत्र में उनका एक बहुत 5 साल में एक ये मौका आता है जब वो अपने जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं। जी पुनीत, प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारियां हो चुकी है, अब बारी है वोटर्स की, वोटर घर से निकले और अपने मत का प्रयोग करे। तमाम जानकारी के लिए अरविंद, अरुण और बिपिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल आखिरी चरण है और आखिरी चरण के लिए 16 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। प्रशासनिक तौर पर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। न्यूज 11 भारत भी आपसे यही अपील करता है कि आप अपने घरों से बाहर निकले और अपना अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक एक वोट झारखंड के लिए बहुत कीमती है। एक एक वोट झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है।